मैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इनवाइट करूंगी डॉक्टर मोनिका नागपाल को। आई वेलकम यू मैम फॉर दिस सेशन, नाउ ओवर टू यू। वेरी गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। कुछ लोगों से हम पिछले सेशन में ऑलरेडी मिल चुके हैं, जिसके अंदर मैं सोशल साइंसेस के डिफरेंट रिसोर्सेज की बात की थी, डिफरेंट टूल्स की बात की थी। अब जो है सेशन, ये कंबाइंड कंबाइंड सेशन है और कॉमन सेशन है, और यूज भी इसका उतना ही कॉमन है, वेदर वी हैव सीन एनी काइंड ऑफ रिसोर्स और नॉट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इवेल्युएट एनी रिसोर्स। तो इवेल्युएशन क्या है और हमें ये क्यों करना है? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा इसकी जरूरत क्या है। हम जब कोई भी कंटेंट बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या क्राइटेरिया अडॉप्ट करते हैं? नॉर्मली जो हम लोग जैसे हम एनसीईआरटी में जो कंटेंट डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो हम लोग एक अप्रोच यूज करते हैं, एक मॉडल यूज करते हैं, वो है एडी, विच इज एनालाइज डिजाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएट। ये उसकी एक्रोनिम है एडी मॉडल, जो कि हम इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग का जो मॉडल है हम अडॉप्ट करते हैं वाइल क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ कंटेंट। तो उसके अंदर इवेल्युएशन बहुत मैटर करता है, और जितने भी प्रोग्राम जो सीआईटी में बनते हैं उनका इवैल्यूएशन स्क्रिप्ट लेवल पे, उनका इवैल्यूएशन प्रीव्यू लेवल पे, जब वो एक बार एडिट हो जाते हैं तो पूरी फैकल्टी, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो डिपार्टमेंटल एक्सपर्ट्स हैं, उनके सामने उसको डिस्प्ले किया जाता है, उनके कमेंट्स के बेस पे उसके अंदर चेंजेस किए जाते हैं, और वो वापस रिव्यू करने के बाद ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करवाया जाता है, चाहे वो ऑडियो रिसोर्स हो, वीडियो रिसोर्स हो, या जो आजकल हमारे AR बेस्ड रिसोर्सेज बन रहे हैं ज्योग्राफी के। जो जो लोग ज्योग्राफी के सेशन में थे उन्होंने वो वीडियो का रेफरेंस देखा होगा, दीक्षा पे वो ज्योग्राफी के AR बेस्ड वीडियो भी अवेलेबल है, और साइंस के भी AR बेस्ड वीडियो अवेलेबल है। तो वो सारे रिसोर्सेज जो है एक कॉमन प्रोसेस से निकलते हैं, जिसके अंदर इवेल्युएशन बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो नाउ आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन एंड विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन, कि हमें इसकी जरूरत क्या है। सबसे पहले एज अ टीचर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज एन इंस्ट्रक्टर, हमें ये समझना है कि क्या जरूरत है ई कंटेंट इवेल्युएशन। उसके अंदर हम पहले फोकस करते हैं कि हम ई कंटेंट से समझते क्या है, कि क्या ई कंटेंट है। क्या हम वीडियो को ई कंटेंट कह रहे हैं, या एक पीडीएफ को ई कंटेंट कह रहे हैं, या फिर एक इंफोग्राफिक को ई कंटेंट कह रहे हैं, किसको ई कंटेंट कह रहे हैं, क्या इवेलुएट करना है। फिर हम बात करेंगे वाई, क्यों हमें इनको इवेलुएट करना है, और उसके बाद हम आएंगे प्रोसेस के ऊपर, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कैसे इनको हमें इवेलुएट करना है। तो ई कंटेंट्स जो हमें इवेलुएट करना है उसके अंदर क्या क्या आता है, वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इंटरैक्टिव, ई बुक, ई जर्नल, गेम्स, कुछ भी, कोई टेक्स्ट जो हमारा डिजिटल फॉर्म में है, हम उसे ई कंटेंट बोलते हैं। इन सभी को हम इवेलुएट कर सकते हैं। द लिस्ट इज नॉट कंप्लीट हियर, हो सकता है आपके पास इससे भी कोई चार और तरह के रिसोर्सेज हों। जैसे आज हमने टाइमलाइन की बात की, तो हम टाइमलाइन को इंफोग्राफिक भी कह सकते हैं, टाइमलाइन को अलग कैटेगरी में भी रख सकते हैं। तो वो सारे रिसोर्सेज ही हमारे इवेल्युएशन के दायरे में आते हैं। नेक्स्ट है वाई, तो हमें क्यों इवेल्युएट करना है, उसका सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी होता है कि जो चीज उस कंटेंट से एक्सपेक्टेड है वो कर रहा है। मतलब अगर एक वीडियो है या एक ऑडियो है, उसे सुनने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे को ये चीज समझ में आ जाए, वो आ रही है,
एक बार आई, दूसरी बार नहीं आई, तीसरी बार नहीं आई, इसका मतलब वो रिलायबल नहीं है। इट शुड प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट्स अक्रॉस व्हेन वी आर इवैल्यूएटिंग एनी काइंड ऑफ रिसोर्स। रिलायबिलिटी की जब हम बात करते हैं, वैलिडिटी है कि हमने आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाना चाहा एक टॉपिक, ठीक है। अब उस टॉपिक को जब हम पढ़ा रहे थे तो क्या जो टॉपिक वो वीडियो कवर कर रहा है वो आपको वही समझ आ रहा है या कुछ और? जैसे हम कभी कभी बात कर रहे होते हैं पर हमें लगता है कि दूसरा इंसान उसे कुछ और ही समझ रहा है, तो जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं उस वीडियो के माध्यम से वही जो है हमारे बच्चों तक, हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंच रहा है, ये है वैलिडिटी ऑफ दैट कंटेंट। मतलब द वीडियो कंटेन्स दैट पर्टिकुलर कंटेंट विच नीड्स टू बी टॉट। ऐसा नहीं है कि वो वीडियो इतना खूबसूरत है कि बच्चे कंटेंट छोड़ उसकी खूबसूरती में ही खो गए, तो ये भी हमारी वैलिडिटी पे क्वेश्चन कर देगा या रिलायबिलिटी पे वो क्वेश्चन करेगा। वैलिडिटी पे मतलब कंटेंट ही हमारा, हम पढ़ा रहे हैं सोलर सिस्टम के बारे में पर हम फोकस सिर्फ मून पे ही कर रहे हैं, तो वो हमारी वैलिड, वो कंटेंट हमारा सोलर सिस्टम टॉपिक के लिए वैलिड नहीं होगा। इस तरह से हमारी, हम ये चेक कर सके उस कंटेंट के अंदर, चाहे वो इमेज है, वो टेक्स्ट है, कि हम जो पढ़ाना चाह रहे हैं वो स्टूडेंट्स तक, बच्चों तक पहुंच रहा है। सेकेंड है अप्रोप्रिएटनेस। अप्रोप्रिएटनेस मतलब एज पर द नेचर ऑफ कंटेंट, मेथड ऑफ टीचिंग। अब ये जो है हमारी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट आती है, मेथड ऑफ टीचिंग कौन सी क्लास को हम पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, तो उसको वो क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं ये हमें देखना है। उस कंटेंट का नेचर कैसा है, उस लेवल का, उस ग्रेड का है भी कि नहीं है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कंटेंट देखी जाएगी कि वो सही कंटेंट उन बच्चों के लिए है कि नहीं। मान लीजिए कंटेंट सही है, उसकी लैंग्वेज ही डिफिकल्ट है, तो वो भी इसी के अंदर हम केटर करेंगे कि वो बच्चों तक पहुंच पाए। उसी के अंदर दूसरा पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्नर। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्नर का क्या मतलब है कि मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ाया या मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, बताया, डिस्कस किया, जिसके अंदर मैंने एग्जाम्पल ऐसा दिया जो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं। कि मान लीजिए मैं दिल्ली में बैठी हूँ और मैं आपको जब कोई एक ऐसे प्लांट के बारे में पढ़ा रही हूँ यहाँ बैठ के, जो यहाँ दिल्ली के आसपास पाया ही नहीं जाता, तो मैं एग्जाम्पल ऐसा लूँ जो उस बच्चे के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए फमिलियर, तो फेमिलियरिटी हो, उसकी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में से वो चीज़ें निकल के आए। जैसे हमारी जो NEP है वो फोकस करती है रीजनल एस्पेक्ट्स के ऊपर, वो फोकस करती है कि जो हम रीजनल अपनी भाषा में और अपने परिवेश में पढ़े, वो वाली चीज जो है वो कॉन्टेक्स्ट पे काम करती है। हमने एग्जाम्पल दिया, हम किसी अर्बन बच्चे को पढ़ा रहे हैं और हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कोई बहुत ही ट्रेडिशनल डिश का, जो किसी छोट किसी किसी एक पर्टिकुलर गांव में या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के एक एरिया में बनती है, जिसको दिल्ली में कोई नहीं जानता, तो वो एक करेक्ट एग्जाम्पल नहीं होगा, उस बच्चे को वो एग्जाम्पल समझ नहीं आएगा। सिमिलरली हम दिल्ली में हैं या किसी भी बड़ी सिटी में है, तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी खा रहे हैं आजकल, चाहे वो पिज्ज़ा हो, मोमोज हो, टिमसम हो, या और भी इस तरह की बहुत चीज़ें जो कॉमनली अब सब जगह अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी वो किसी उन की कुछ जिसे कहते हैं कि दूर के इलाकों में भी अगर नहीं पहुंची है, वहां हम उनका एग्जाम्पल देंगे तो बच्चे उसे नहीं समझ पाएंगे, उसके टेस्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो कॉन्टेक्स्ट को हमें समझना है, फिर एग्जाम्पल देना है। अब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है तो हम कोशिश करें उनके आसपास का मॉन्यूमेंट ले। अगर हम वो नहीं लेते, कोई हमें पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट के बारे में ही पढ़ाना है, तो हमने जैसे आज गूगल पे देखा आर्ट एंड कल्चर पे, हम उसके माध्यम से ही, या अगर उस पर भी अवेलेबल नहीं है तो हम किसी वीडियो या इमेजेस के माध्यम से उन बच्चों को ओरिएंट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए। तो कंटेक्स्ट इस्टैब्लिश करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे किसी भी डिजिटल कंटेंट में। अब नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अप्रोप्रिएट कोई भी डिजिटल कंटेंट तब होगा जब उसके लिए अवेलेबल होगी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी। मान लीजिए मैं आपको एक बड़ा अच्छा VR का एक्सपीरियंस देना चाहती हूँ क्लास में, VR डिवाइस भी मैंने अरेंज कर लिए, पर आपके क्लास में ना तो लाइट है और ना ही चार्जर है
मैं अपने डिवाइस को ना चार्ज कर पा रही हूँ, ना मैं उसको प्ले कर पा रही हूँ, ना वहां पे कनेक्टिविटी है, इंटरनेट नहीं है, तो मेरी सारी एफर्ट जो है वो वहीं के वहीं खराब हो। तो हमें ये देखना है कि जिस विद्यालय में, जिस परिवेश में हम पढ़ा रहे हैं, क्या वहां पर उतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है? और अगर नहीं है तो हमें ये नहीं कहना कि हमारे पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है, हम यूज ही नहीं करेंगे। हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। जैसे हम एक मॉड्यूल डेवलप कर रहे थे, उसके अंदर आया कि अगर मान लीजिए उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, हमने ऑनलाइन उनको कुछ दिखाया, तो हम उन्हें सजेस्ट करेंगे कि आप उसका प्रिंट या उसी का फिजिकल कोई गेम, उसका इक्विवेलेंट गेम ढूंढ सकते हैं, या उसका इक्विवेलेंट गेम प्लान कर सकते हैं कक्षा में, या फिर आसपास के किसी स्कूल के अंदर उन बच्चों की विजिट करवा सकते हैं ऑन वीकली बेसिस, जिससे कि वो उन टेक्नोलॉजी से भी रूबरू हो पाए। क्योंकि डिजिटल स्किल भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है कि हमें डिजिटल लर्निंग हमारे अंदर हो, तो बच्चों के अंदर वो डेवलप करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि उन तक डिवाइस पहुंचे। आपके फोन को तो वो बहुत अच्छे से यूज करते हैं, आपसे भी बेहतर यूज करते हैं, लेकिन लैपटॉप, इन सारी एप्लीकेशंस को वो देखेंगे तभी उसको यूज करना समझ पाएंगे। तो हमें ये देखना है कि वो टेक्नोलॉजी बच्चों तक कैसे पहुंचे, जिससे कि वो यूज कर पाए और आप भी अपना जो कंटेंट है वो डिस्प्ले कर पाए। अब हम बात करते हैं प्रोसेस के। हमने दो चीजें ऑलरेडी बात की कि किसको इवेलुएट करना है, क्यों करना है, हमने जरूरत भी समझ ली। अब हम बात कर रहे हैं प्रोसेस की, मेथड। तो उसके अंदर हमारे जो ई कंटेंट डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स एनसीईआरटी ने डेवलप किए हैं, सीआईटी ने, उनको अगर आप देखोगे तो उसके अंदर हमारे कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, उन्हीं को ध्यान में रख के हमें उनको रिव्यू करना है, उन्हीं को ध्यान में रख के हमें उनको कंटेंट को, डिजिटल कंटेंट को इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला है टारगेट ऑडियंस। अब टारगेट ऑडियंस, इसके अंदर केवल एज ग्रुप की बात नहीं हो रही, अगर आप देखेंगे तो एज ग्रुप, प्रीवियस नॉलेज, सोशल कल्चरल बैकग्राउंड, लर्निंग स्टाइल, लैंग्वेज। मान लीजिए आपका रिसोर्स बहुत अच्छा है, आपने हिंदी में बनाया, उस बच्चे को हिंदी नहीं आती, हो सकता है वो तमिल में और इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हो, तो हमें ये सभी चीजें देखनी है। उसका डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारी जो चीजें हैं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एज अ टारगेट ऑडियंस हमारा बच्चा किस एज ग्रुप का है? पीएमए विद्या के 12 चैनल थे जो नेशनल लेवल पे हो रहे थे, जिसके अंदर हर क्लास के लिए एक चैनल था, पर अब रीजनल लैंग्वेज पे, रीजनल लेवल पे उनके चैनल्स दिए गए स्टेट्स को। क्यों? सो दैट रीजनल कंटेंट उनकी अपनी भाषा में उन तक उपलब्ध हो, जिससे कि वो लोग बेहतर तरीके से पढ़ पाए और समझ पाए, यही उसका मकसद। दूसरा है कंटेंट। हमने बात की अभी अभी कंटेंट की, रिलायबिलिटी की और वैलिडिटी। तो उसी के अंदर जो वैलिडिटी की बात होती है, तो कंटेंट में एक्यूरेसी, मतलब करेक्टनेस होनी चाहिए। अब इंडिया में मान लीजिए हमारा जो तेलंगाना बना, तो अगर हम मैप पढ़ा रहे हैं और हमने फोकस ही नहीं किया कि हमने तेलंगाना और आंध्रा को अलग नहीं किया, तो दैट्स अ नॉट फैक्चुअली करेक्ट, नॉट अ फैक्चुअली करेक्ट रिसोर्स। या जम्मू एंड कश्मीर का जो चेंज हुआ कि जे एंड के अब एक यूटी है और लद्दाख एक यूटी है, तो वो अगर हम अपने मैप के अंदर चेंजेस को नहीं लाएंगे, देन द कंटेंट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट। रेलिवेंस ऑफ द कंटेंट, कंटेंट की कवरेज कैसी है, अपडेटेड है या नहीं, करिकुलम से अलाइंड है या नहीं, इसी तरह और बहुत सारी चीजें हैं कि वो उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा है, उसके अंदर रियल वर्ल्ड के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इंकॉर्पोरेटेड हैं या नहीं, केवल पैसिव लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, थियोरेटिकल लेवल पे हम उसको पढ़ा रहे हैं। तो वो वाले जो एस्पेक्ट्स हैं उसकी हम बात करते हैं कंटेंट के अंदर। तीसरा है पेडागॉजिकल कंसिडरेशन, जिसमें हम सभी, आप सभी टीचर्स मास्टर्स हैं, कि पेडागॉजी क्या होनी चाहिए, आपके सब्जेक्ट की, आपके उस पर्टिकुलर टॉपिक की क्या प्रेजेंटेशन फॉर्मेट होना चाहिए, कैसे हमें उसे लोकल नीड्स के साथ कॉन्टेक्चुअलाइज कराना है, क्या उसके अंदर रेलिवेंट इमेजेस या चीजें हम यूज कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसको हम कहते हैं, कैसी असेसमेंट हो सकती है, कैसे उसको एनहांस किया जा सकता है, और एंगेजमेंट लर्नर का कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये है पेडागॉजिकल एस्पेक्ट, जो बेसिकली हम बात कर रहे हैं टीचिंग जब होती है, जो ब्लैक बॉक्स जिसको हम कभी कभी कहते हैं, जब हम क्लासरूम में है, टीचिंग हो रही है, वहां पे जितनी हम मेथड्स, सॉफ्टवेयर
स्ट्रेटजीज लगा रहे हैं वो सारी पेडागॉजिकल कंसिडरेशन पे हमारी कवर होंगी। नेक्स्ट है कि प्रेजेंटेशन। अब एक वीडियो आपने बहुत अच्छा बनाया, आपने उसकी बहुत अच्छी उसके अंदर इमेजेस डाली, वॉइस ओवर डाला, कलर्स ऐड किए, लेकिन वो कलर्स आपस में बैलेंस नहीं है। मान लीजिए आपने रेड से लिखा और पिंक बैकग्राउंड था, नजर ही नहीं आएगा। या फिर आपने चाहे ब्लैक से लिखा और वो बहुत बारीक है कि वो पिंक का ऐसा शेड है कि वो मर्ज हो रहा है। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है, और साथ में एस्थेटिक्स कि वो कितना ब्यूटिफाई उसको कर रहा है। हमारी एक छोटे से एफर्ट से उस कलर के ऐड करने से उसकी जो क्वालिटी है वो एनहांस हो जाएगी, उसकी ब्यूटिफिकेशन होएगा, जो कि अट्रैक्ट करेगा हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए। तो इन सारी चीजों को भी हमें उसके अंदर देखना है। अब आपने कंटेंट तो डेवलप कर लिया, ऑडियो भी बहुत अच्छा दिया, म्यूजिक पर बहुत लाउड है बैकग्राउंड म्यूजिक कि मेरी आवाज ही आप तक नहीं पहुंच रही या प्रेजेंटर की आवाज ही आप तक नहीं पहुंच रही, तो वो हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो हमारा उसका पूरा जो पर्पस है वो डिफीट हो गया। ये हमारा एक टेक्निकल इशू भी हम इसे कंसिडर करते हैं। उसके अलावा उसके अंदर उसका फॉर्मेट ऐसा है कि हम यूज नहीं कर सकते, या हमने OER के बारे में पढ़ा, हमने एक वीडियो बनाया उसके अंदर हमने सारा ही कंटेंट कॉपीराइटेड उठा लिया और हमें वो प्ले करने की परमिशन ही नहीं मिली। वहां पे हम लोग फंस जाएंगे कि वो जैसे यूट्यूब पे या जिस किसी नेशनल प्लेटफॉर्म पे आया वो कंटेंट यूजफुल ही नहीं रहा हमारे लिए। तो ये सारी जो है हमारे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है फॉर दी डिजिटल कंटेंट। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव। वो क्या है, हम बाजार जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, एंड देन वी रियलाइज कि वेदर इट इज वैल्यू फॉर मनी या नहीं, कि बहुत महंगी है और उतना यूज नहीं है तो हम उसे नहीं खरीदेंगे। हम ये देखते हैं कि बैलेंस होना चाहिए कि जितना हम खर्च कर रहे हैं उतनी तो कम से कम हमें फैसिलिटी मिले, रादर उससे ज्यादा मिले। तो उसी तरह एजुकेशन में भी आपने एक रिसोर्स बनाया, पर वो इतना सिंपल कंटेंट था जिसको अगर हम रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, रियल लाइफ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं तो उसके लिए हमें उस रिसोर्स की जरूरत नहीं है। वी हैव टू सी दिस। या मान लीजिए हमने कोई बहुत ही अच्छा AR बेस्ड वीडियो बनाया, पर उसके लिए एक सिंपल वीडियो ही काफी था एज अ डिजिटल कॉन्टेंट। तो ये भी हमें देखना है कि क्या वो जो हम एफर्ट कर रहे हैं, जो हम उस पर कॉस्ट लगा रहे हैं, उसका आउटपुट उतना होगा, उससे उतनी लर्निंग एनहांस होगी उस पर्टिकुलर टॉपिक की। या फिर उसको हमने AR VR का कंटेंट बना दिया पर हमारे पास स्कैनर्स नहीं है या हमारे पास ऑक्यूलस नहीं है, जो डिवाइस हमें चाहिए देखने के लिए वो नहीं है, तो हमारी सारी मेहनत जो है वो खराब हो गई और जो जितना भी हमारा कॉस्ट भी लगा वो भी हमारा बेकार हो गया। तो इस तरह से हमें इन चीजों के ऊपर भी ध्यान देना है कि कैसे हम एक कंटेंट को इवेलुएट कर सकते हैं। अब इन्हीं कंटेंट के बेसिस पे टूल्स बनाए गए हैं जिन टूल्स के को यूज करके आप इवेलुएशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये हमारे पैरामीटर्स हैं। ये CIT की वेबसाइट के ऊपर हमारे टूल्स जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, गाइडलाइंस भी अवेलेबल हैं। ये आप देखेंगे तो ये गाइडलाइंस हैं, ई कंटेंट कैसे बनाना है फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये गाइडलाइंस हैं फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स की कंटेंट कैसे बनाना है। ये तो दो चीजें हो गई हमारी। इन डॉक्यूमेंट्स को आप जाके एक बार देख सकते हैं, जैसे हमने जो अभी क्वालिटी पैरामीटर्स देखे वो इसी डॉक्यूमेंट से हमने लिए हैं। ये गाइडिंग डॉक्यूमेंट जो CIT ने डेवलप किया था, ये देखिए हमने अभी इसी इमेज की बात की, हमने इसी के ऊपर डिस्कस किया। मॉडल एडी का मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया था, और जितनी भी चीजें हमने अभी अभी क्वालिटी पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं वो इसी डॉक्यूमेंट से लिए गए हैं।
तो आप इस डॉक्यूमेंट को जरूर रेफर करें जब एज अ टीचर आप कंटेंट डेवलप भी कर रहे हैं तो भी, सो दैट आप करेक्ट कंटेंट डेवलप करें और करेक्टली उसको फिर इवेलुएट करें, तो देर आर चांसेस कि वो उसकी अंदर कमियां कम से कम हो। अब जिस मॉडल की हमने बात की थी वो था एडी। एडी के अंदर जब हम कंटेंट बनाते हैं, जो इस गाइडलाइन बुकलेट में भी बताया गया है, पहला स्टेप है एनालाइज। एनालाइज हमें क्या करना है? एनालाइज हमें करना है स्टूडेंट नीड्स को कि क्या पढ़ाना है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेंट, स्टूडेंट कौन है, उसका लेवल क्या है, उसकी प्री नॉलेज क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल क्या है, इन सब को ध्यान में रखना है। लैंग्वेज क्या है उसकी, जो जो हमने अभी अभी डिस्कस किया वो हमने एनालाइज करना है। इस टॉपिक को ऑडियो से पढ़ाया जाए पर्टिकुलर, या वीडियो से पढ़ाया जाए, या कोई और मीडियम यूज किया जाए, उसके बाद हम उसकी स्क्रिप्टिंग पे आएंगे। ये होता है हमारा जो एनालाइज हम करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोग्राम ब्रीफ हम डेवलप करते हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं। फिर हम आते हैं डिजाइन पे, जिसके अंदर हम उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग पूरी करते हैं, फिर हम स्क्रिप्ट को रिव्यू करते हैं। एडी मॉडल में आप देखेंगे यहाँ पे कि इवेलुएट हर लेवल पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लास्ट में। तो आपने जब स्क्रिप्ट लिखी तो स्क्रिप्ट को आपने रिव्यू किया, स्टोरी बोर्ड लिखा उसको आपने रिव्यू किया, ये हो गया हमारे डिजाइनिंग स्टेजेस। जितना कंटेंट कंपाइल करना है यहीं पे होगा, उसके बाद फाइनली वो एक वीडियो या ऑडियो या एआर या वीआर, जो भी रिसोर्स हम बना रहे हैं, उस फॉर्म में डेवलप होगा और फिर उसकी टेस्टिंग होगी एंड देन वो इम्प्लीमेंट होगा। इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी हम इवेलुएट करते हैं कि उसका फीडबैक उतना अच्छा आ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है, बच्चे पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे। तो दिस इज हाउ एडी वर्क्स। अब हमारे कुछ टूल्स भी बने हुए हैं जो जो पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए, या तो आप उन पैरामीटर्स के बेस पे इवेलुएट कर सकते हैं, या फिर हम जो है उसके बेसिस पे जो ऑलरेडी टूल बने हुए हैं उनको भी डिस्कस, उनके बेसिस पर भी हम इसको रिव्यू कर सकते हैं। एक एक मिल जाए। ये डायरेक्टली नहीं खुल रहा, तो मैं एक बार इसी लिंक को पेस्ट करके ब्राउजर में से जाके खोलती हूँ, एक मिनट दीजिएगा। यहाँ पे जैसे ये ई कंटेंट गाइडलाइंस हमने अभी अभी देखी थी, अगर आप सीआईटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो रिसोर्सेज में ये ई कंटेंट इवैल्यूएशन करके एक आइकन है, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल हैं। ये है हमारा ई कंटेंट इवैल्यूएशन टूल, और इसी के साथ इसके अंदर आप जैसे फैक्चुअल एक्यूरेसी कंटेंट की कितनी है, हम हमने जब डिस्कस किया था उसमें पहला पॉइंट यही था, लीगल यूज ऑफ प्रोप्राइटरी कंटेंट, अगर कोई कंटेंट प्रोप्राइटरी है तो क्या हमने उसके लिए रिक्वायर्ड परमिशन ली है, कंटेंट फ्री फ्रॉम टेक्निकल ग्लिचेस, जैसे मैंने कहा था कि ऑडियो में अगर म्यूजिक बहुत लाउड है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी अप्रोप्रिएटनेस, मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें सजेस्ट करता है क्या हम उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। मान लीजिए राइट टू लाइफ एक हमारा आर्टिकल 21 कहता है, क्या हम किसी का राइट टू लाइफ को तो इन्फ्रिंज नहीं कर रहे हैं अपने कंटेंट के अंदर। या फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि वी शुड हैव टू चाइल्ड पॉलिसी, तो क्या उसको फॉलो हो रहा है उस वीडियो में या उस रिसोर्स में, ऐसा तो नहीं है कि हम उस कंटेंट में वो पॉलिसी नहीं फॉलो कर रहे। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो अप्रोप्रिएटनेस है हमें कंटेंट में देखनी है। फिर
टॉपिक और सब टॉपिक के लर्निंग आउटकम्स के साथ उसका कितना बैलेंस है वो देखना है. पेडागोजी, जो हमने पेडागोजिकल कंसिडरेशंस में डिस्कस किया था वो, फिर लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी क्लास के लेवल के हिसाब से, बच्चों के सोशल या अपने जो बैकग्राउंड के हिसाब से जो उनकी लैंग्वेज है, क्या सिमिलर लैंग्वेज उस कंटेंट में यूज हुई है, कहीं बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है या उस लेवल के लिए बहुत ईजी तो नहीं है, तो वो बच्चे समझ पाएंगे या नहीं वो आस्पेक्ट एक इम्पॉर्टेंट है. फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट टू एज. मान लीजिए आपने बड़ा अच्छा कंटेंट बनाया, बहुत ही इंटरैक्टिव कलरफुल, पर आपने क्लास 10th या 12th के लिए बनाया, तो वो बच्चों के लिए उतना मैटर ही नहीं करेगा. छोटे बच्चों को अगर आपने बड़ा थ्योरी सा लिखा हुआ कंटेंट दिया तो वो उससे नहीं पढ़ पाएंगे. तो हमें एज ग्रुप अप्रोप्रिएट कंटेंट भी बनाना है. देन पेस ऑफ द प्रोग्राम, कि वो बहुत फास्ट बहुत सारा कंटेंट तो कवर नहीं कर रहा है कहीं, हमें ये भी देखना है कि पेस क्या है उस प्रोग्राम की, ड्यूरेशन क्या है. कि हम बात करते हैं बाइट साइज कंटेंट की दीक्षा के लिए, जब हम स्पेशली FLN की बात करते हैं, छोटा कंटेंट क्योंकि बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है, बड़े बच्चे हैं तो उस हिसाब से शायद 10 से 15 मिनट के अंदर हमारा कंटेंट बने, उससे लंबा हम ना करें. तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये हमारे हैं जो टूल के अंदर हमें अपना रीजन देना है. और अगर आप नीचे आके देखेंगे तो आप पाएंगे पैरामीटर 1 to 4 यस और नो एंड पैरामीटर 9 कैसे उसको हमें आंसर करना है वो भी हमें बताया गया है. अभी मैं इसके अंदर जो हम एक चीज और देख रहे थे पीपीटी पे वो नहीं खुल रही थी वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ. जो हमने अभी टूल देखा उसी का अगर आप देखेंगे, ये पैरामीटर्स थे जो हम अभी लिंक के थ्रू खोलना चाह रहे थे और नहीं खुल रहा था. ये एक्चुअल एक्यूरेसी, हमने सभी पॉइंट्स को लगभग डिस्कस कर लिया, मैं सिर्फ एक बार स्क्रॉल कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर अब उसको एक्सप्लेन किया गया कि क्या कहना चाह रहे हैं. जैसे टेक्निकल ग्लिचेस में हम क्या कह रहे हैं कि साउंड सिंक में है, वीडियो ठीक है, क्वालिटी ठीक है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी की है. ये पेडागॉजी वाला है, लैंग्वेज एंड देन पेस ऑफ द प्रोग्राम, और उसके बाद क्राइटेरिया भी दिया गया है कि कौन सा. मान लीजिए प्रोग्राम फैक्चुअली गलत है तो हमें बाकी के पैरामीटर्स देखने की जरूरत ही नहीं. अगर प्रोग्राम फैक्चुअली करेक्ट है तभी हम आगे मेहनत करेंगे कि उस प्रोग्राम पे हम अपना टाइम जो है इन्वेस्ट करें. ओके तो ये है हमारे पैरामीटर्स और ई कंटेंट इवैल्यूएशन टूल, जिसको आप भी अपने कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं. CIT की वेबसाइट पे मैंने आपको दिखाया ये अवेलेबल है, सो यू कैन यूज इट फॉर ई कंटेंट इवैल्यूएशन. अब हम लोग जो है, अब हम एक बार एक वीडियो या एक डिजिटल कंटेंट को हम प्ले करेंगे और हम देखेंगे अगर हम उसको इवैल्यूएट करते, आप लोगों का उसको लेके हमने जो इतने सारे टॉपिक डिस्कस किए उसको लेकर के आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि क्या वो कंटेंट ठीक है या उसके अंदर किसी तरह की करेक्ट करने की उसको जरूरत है. ये आपके लर्निंग आउटकम से सीखने के प्रतिफल, हमने जो भी कंटेंट इसमें आगे हम देखेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स दिए गए. पढ़ा कक्षा में चित्रों का इस्तेमाल क्या क्या करे कमाल. बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए पाठ्य पुस्तक हो या अन्य बाल साहित्य, उसमें दी गई चित्र सामग्री या तस्वीरों को अनदेखा करके केवल प्रिंट को पढ़ना पढ़ाना क्या बच्चों को रुचिकर लगेगा. किताब हाथ में आते ही वे चित्र निहारते हैं, उसी में खो जाते हैं, देखते रहते हैं, पूरे इत्मीनान से और धैर्य से इस चित्र को देखते हैं. कक्षा में इसका उपयोग बच्चों के साथ किस तरह किया जा सकता है इसकी चर्चा करते हैं.
हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं जो कक्षा में तस्वीरों पर बातचीत को महत्व देते हैं और इसकी उपयोगिता को समझते हैं। कक्षा में बच्चों के साथ दो चित्र सामने रखकर बातचीत की शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यही बात करेंगे, ध्यान से देखो, ढूंढो और अंदाजा लगाओ। यह तस्वीर किस जगह की है? इस तस्वीर में कौन कौन है? क्या इस चित्र में चाय वाला है? क्या तुमने यहाँ कुली को देखा? हम कुछ ऐसे सवाल भी कर सकते हैं जो चित्र में दिखाई गई किसी चीज या घटना पर बच्चे की प्रतिक्रिया व्यक्त करें। एक आदमी भाग क्यों रहा है? कुछ लोग लाइन में क्यों लगे हैं? लड़की चाय वाले से क्या कह रही है? मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि चित्र के माध्यम से बच्चों को पढ़ने लिखने का भी मौका मिले, इसीलिए इस तरह के प्रश्न करना उपयोगी रहता है। उंगली रखकर बताओ चित्र में कहाँ कहाँ कुछ लिखा है। अब पढ़कर देखो यहाँ क्या क्या लिखा है। यहाँ जो लिखा है उसे अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो। चित्र में किस किस चीज की दुकान है लिखो। मुझे लगता है कि चित्र पठन के माध्यम से लिखकर बच्चे को अपनी बात कहने का अवसर दिया ही जाना चाहिए। वे अपनी बात स्ववर्तनी में लिखें। वर्तनी सही करने के चक्कर में मैं उन्हें रोकती टोकती नहीं हूँ। यह अवश्य है कि पहले बच्चों के साथ मौखिक रूप से चर्चा करती हूँ, फिर वे लिखते हैं। टोपी वाला आदमी लड़की से क्या पूछ रहा होगा? छोटे लड़के और खोमचे वाले के बीच क्या बात हो रही होगी? बात लिखने पढ़ने की हो रही है, तो हम बच्चों से चित्र में से देखकर कुछ ऐसे शब्दों के अर्थ भी पूछ सकते हैं जो उनके लिए मुश्किल हैं, पर संदर्भ से अर्थ बताने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे इस चित्र में कुछ शब्द हैं, सामग्री, मासिक, दैनिक, स्वच्छता, वस्तु, निषेध, धूम्रपान। मैं सोचती हूँ चित्र पठन हमें बहुत सी ऐसी संभावनाएं भी देता है जिसमें बच्चे हमसे कुछ सवाल करें और कुछ हम उनसे करें, जिससे वे अपनी जिंदगी के अनुभव इस बातचीत में बताएं, सोचें। अगर इस आदमी की जो भाग रहा है गाड़ी छूट गई तो क्या होगा? वो क्या करेगा? किताबों की दुकान के पास बैठा ये व्यक्ति क्या सोच रहा है? तुम ट्रेन में कहीं जाने का प्रोग्राम बना रहे हो, क्या क्या ले जाओगे? क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम कहीं देर से पहुंचे, फिर क्या हुआ? कभी भीड़ में तुम खो गए तो क्या किया? अगर हमारे पास ट्रेन का टिकट ना होगा तो क्या होगा? ट्रेन में इतने सारे डब्बे क्यों होते हैं? ट्रेन का ड्राइवर कहाँ होता है? इतना बड़ा कांटे का निशान क्यों है? शिक्षकों से बातचीत में जो बातें मुख्य रूप से निकल कर आईं, वो हैं चित्रों को छोड़कर आगे पढ़ाना शुरू करने में कोई औचित्य नहीं। यदि चित्र कुछ शब्दों, वाक्यों, पोस्टर के साथ हों, तो शब्द, अक्षर, वाक्य पहचान और समझ के साथ पढ़ने का मौका देते हैं। चित्र बच्चों के साथ संवाद की शुरुआत का अच्छा जरिया है। चित्र पर चर्चा से बच्चे ये महसूस कर सकते हैं कि उनके चारों ओर दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अवलोकन विश्लेषण चर्चा से परिचित अपरिचित शब्दों का भंडार बढ़ा। चित्रों से मित्रता की बात तो खूब हुई, अब जानिए बच्चे
अपनी कल्पना से किसी चित्र कथा को कैसे शब्दों में व्यक्त करते हैं, जिसमें हास्य विनोद भी हो और उनकी कल्पना और अनुभव भी। इस छोटी सी चित्र कथा पर बच्चों से लिखवाइए और लिखिए अपने अनुभव। आप बच्चों द्वारा बनाई गई कहानी को सबके साथ साझा अवश्य कीजिए। तो अब आप सबकी बारी है बताने की कि हमने इतना कुछ डिस्कस किया था अभी कि इवैल्यूएशन के जो पैरामीटर्स हमने देखे, तो ये प्रोग्राम किसके लिए था? आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं या हैंड रेस कर सकते हैं। मैं बोलना चाह रहा था, मैं अजय कुमार ठाकुर झारखंड से। मेरा दो ठो प्रश्न है मैम। एक जो हमको इस कंटेंट में लगा कि एक जगह 90/100 लिखे हुए हैं, 90/100 एक जगह कंटेंट में मुझे दिखा, तो मुझे लगा कि वो वहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स जो है ना वो वहां पे ऑलरेडी 90/100, तो हो सकता है कि अदर्स मतलब जो चिल्ड्रन है उनके माइंड में कुछ इफेक्ट पड़े मे बी। पर ये पहले मैं वही, इसीलिए पहला प्रश्न ये है कि प्रोग्राम किसके लिए है? बच्चों के लिए नहीं, ये प्रोग्राम टीचर्स, शिक्षकों के लिए, टीचर के लिए। ये कार्यक्रम शिक्षकों के लिए है कि बच्चों को वो कैसे चित्रों के माध्यम से, चित्रों को ना छोड़ते हुए, हम कविता पढ़ा देते हैं, चित्रों पर ध्यान नहीं देते हैं, या हम बाहर भी पोस्टर देखते हैं, उसका यूज कैसे करें। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हम ये कंटेंट बनाएंगे तो इसमें कई प्रकार के साउंड को दिए गए हैं, जैसे मतलब मैडम का है, एक बच्चे का है, एक जेंट्स टीचर का है, अलग अलग साउंड है, तो हम जब ई कंटेंट बनाएंगे तो इतने तरह के साउंड हम कैसे क्रिएट करेंगे? जरूरी नहीं है ना सर, वो तो देखिए कंटेंट के डिमांड के ऊपर है। यहाँ पे हमारी ऑडियंस टीचर है। जब हम बच्चों के लिए बनाते हैं तो हम कोशिश भी यही करते हैं कि हम स्पेसिफिक रहे, क्योंकि बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं कि ये आवाज तो नहीं थी। मान लीजिए डिपेंड करता है आप क्या बना रहे, तो एक या दो आवाजों में आप दो टीचर मिलकर भी बना सकते हैं, उससे ज्यादा अगर आपको जरूरत है तो आप उसको एस्टेब्लिश करेंगे और फिर आप उसको बनाएंगे। ये टीचर्स के लिए क्योंकि कार्यक्रम है, तो यहाँ पे टीचर्स का ऑलरेडी जो आपका एक्सपीरियंस है वो इतना ज्यादा है कि आपको 3-4 लोग भी अलग अलग पॉइंट बताएंगे तो आप कैप्चर कर सकते हैं। बच्चे को अगर 4 लोग बताएंगे तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए मैंने पहले प्रश्न पे ही रोक दिया कि ये टीचर्स के लिए, तो हमारा पूरा दायरा बदल गया। और अब आप देखिए इसके, इस कंटेंट में हम कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं, वो अभी हम सब डिस्कशन में ही हमारे सामने आएगा। मैम एक मेरा क्वेश्चन है, आवाज आ रही है मैडम? जी बिल्कुल। जिस तरह अभी हम लोग, अभी तक तो जितना भी हम लोग ट्रेनिंग लिए और जो ले रहे हैं या अभी तक लेते आ रहे हैं, उसमें है क्या कि हम लोग किसी भी चीज को, पिक्चर है तो उस पर डिफिनेशन देते हैं, या बहुत सारे टूल्स हैं, कोई ऐसा टूल्स है क्या जो पैसेज को चित्र में डिपिक्ट करे, तो चित्र में कन्वर्ट कर दे, जिस तरह भी आपने दिखाया कुछ एक पैसेज दिए या कोई स्टोरी दिए और उसको वो चित्र बना दे, ऐसा है क्या? बिल्कुल है, अब तो कम से कम जरूर है। पर एज ए टीचर देखिए, हम कंप्यूटर से बात करेंगे ना, तो ये जो काम होगा ये बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नहीं होगा। या तो आप इंडिविजुअली बैठ करके कैनवा पे आप वो वाले चित्र इकट्ठे करें और बनाएं। नहीं, ऐसा है क्या, हम पैसेज दिए और वो हमको एक बना के दे दिया? मैं उसी पे आ रही हूँ। पैसेज के लिए आपके पास नहीं होगा, पर आप पैसेज या स्टोरी भी, पैसेज हो, स्टोरी हो, पोएम हो, वो आपको ही बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि पोएम्स के ऊपर, अच्छा आप शायद उसमें नहीं रहे होंगे, पोएम्स के ऊपर जो है आर्ट बनी हुई है, मान लीजिए ड्रॉइंग बनी। आप CIT में कभी आएंगे तो कविताएं जो हमारी किताबों में है उनके ऊपर ड्राइंग्स बना करके या डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स में बना करके लगी हुई है वॉल्स पे, तो उस कविता के मर्म को निकाल के उस वो जो ड्राइंग है, कलाकार है, उसने डाली है उस फॉर्म में। इसी तरह से आप डिफरेंट मीडियम्स जो हमारे इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, इमेज डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, जो ग्राफिक्स वाले हैं, कैनवा है, उसके माध्यम से आप खुद बना सकते हैं, एक ऑप्शन है। दूसरा है कि आप उसका, आजकल AI के बहुत सारे टूल्स हैं, ऑनलाइन आप देखिएगा
AI फॉर इमेज ग्राफिक्स क्रिएशन, आपको टूल्स मिलेंगे, आप उनमें से एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर आपको बहुत केयरफुली कमांड देनी होगी कि आप क्या चाहते हैं। पूरा पैसेज आप नहीं दे सकते उसके अंदर, आपको उस पैसेज का मर्म निकाल के शायद एक दो लाइन में उसको देना पड़ेगा, वो बनाएगा, फिर आप उसको कुछ और सजेस्ट करेंगे, उसको ठीक करेगा, AI पूरा काम करेगा, लेकिन आपको भी एफर्ट उसमें। एक दूसरा एक क्वेश्चन हो रहा है मैडम, अभी जस्ट प्रीवियस सेशन में लेसन प्लान की बात हो रही थी, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा है जो सारा एनसीईआरटी की जितनी किताबें हैं सारा लेसन प्लान बना हुआ है? क्या 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 सॉरी सर, एनसीईआरटी की जो किताबें जो चल रही है सीबीएसई की, तो उसमें से सारे की बुक्स का चैप्टर वाइज लेसन प्लान बना हुआ है, ऐसा कहीं पे है क्या? सर आप बनाइएगा और धीरे धीरे एकत्रित कीजिएगा तो हो जाएगा। अभी है नहीं? नहीं, कुछ का आपको मिलेगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, कुछ प्राइवेटली भी लोग बना करके डालते हैं, लेकिन कंपाइल्ड फॉर्म में तो सर ये तो स्पून फीडिंग टीचर के लिए भी हो गई, क्योंकि एक माध्यम से आप नहीं पढ़ा सकते, एक लेसन प्लान हमारे पूरे भारत देश को सर्व नहीं कर सकता है, तो ये एक करेक्ट अप्रोच नहीं है कि मैं बोलूं कि आप इस चैप्टर को ऐसे ही पढ़ाएं। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। एक कोई फॉर्मेट हो इस टाइप का जिसमें कि पूरा लेसन प्लान बेसिक चीज दे दिया। लेसन प्लान कुछ उसके तो आपको दीक्षा पे मिल जाएंगे, पर ऐसे टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज कहना तो मेरे लिए मुश्किल है अभी। डिजिटल क्लास। अलका जी आप कुछ पूछना चाह रही थी, आपने हैंड रेज किया था झारखंड से। हाँ अलका जी बोलिए। जो अभी हमने वीडियो देखा उसके बारे में था कि जो लर्निंग आउटकम्स दिखाए जा रहे हैं उसमें था कि लयात्मक शब्दों को बच्चे समझ सके, मतलब अगर कंटेंट को यदि हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं उसके बारे में है, तो वहाँ हमारे पास आ रहा है कि बच्चे ये सीखे कि लयात्मक शब्दों को पहचान सके, लेकिन ये था टॉपिक था चित्रों का इस्तेमाल हम क्लास में कैसे करें, तो हमको लगता है ये मतलब टॉपिक बिल्कुल ही डिफरेंट था, तो इवेल्युएशन के दृष्टिकोण से हम इसको बता रहे थे कि टॉपिक और कंटेंट में वेरिएशन था। नहीं मैम, ये ना अब अगेन मैं वही पहली लाइन पे आती हूँ कि ये बच्चों के लिए नहीं है, शिक्षकों के लिए है, तो वहां पे शिक्षकों में तीन चार तरह के शिक्षक आए, उन्होंने अपने अपने प्रश्न बताए कि हम ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं, उसी के अंदर हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक वर्ड आया निषेध, तो हम बच्चे को बोले कि इससे मिलता जुलता वर्ड बोलो, वहां पे आपका जो लयात्मक है वो हम लर्निंग आउटकम को ध्यान में रखते हुए उस तरह के क्वेश्चंस एज अ टीचर और भी ऐड कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस तीन चार टीचर की ऑब्जर्वेशन है, यही कारण है जो सर ने अभी लेसन प्लान पूछा, कभी लेसन प्लान नहीं दिया जा सकता, हर टीचर का अपना एक दायरा है, अपनी एक समझ है, अपना एक्सपीरियंस है। अभी मैम ने कितना अच्छा पॉइंट ये दिया कि लय की उसमें बात नहीं हुई, पर बात सिर्फ इतनी होनी थी कि वो एक क्वेश्चन डाल देते कि बच्चे उससे मिलते जुलते शब्दों को बोले, तो उससे वो वाली चीज अपने आप आ जाती, या मान लीजिए उसके ऊपर कोई पोएट्री करे, तो हमारा वो प्रश्न ऐड होना है केवल वहां पे, तो ये इस कंटेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। ये आपका बिल्कुल सही सजेशन है कि हम अगर लय उसके अंदर आया है तो लय से रिलेटेड क्वेश्चन या उसका कोई एक्सप्लेनेशन हम जरूर उसके अंदर ऐड करें जी। और कोई इनपुट नहीं है आप लोगों का इस पे? मेरे पास है जी, बोलिए सर। इसमें जो चित्र है जैसे कि आपने बताया था कि कॉन्टेक्स्ट, हम वहां पर देख रहे थे कि ट्रेन का उसमें चित्र है, लेकिन ये आपने, मैं लेसन प्लान के बारे में कह रहा था कि हम अपने परिवेश के अनुसार बच्चों को चित्र प्रस्तुत कर उसके बाद उनको हम ले सकते हैं, अगर जैसे बच्चे ट्रेन देखे ही नहीं कहीं पर। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये एक चित्र है हमने नेशनल लेवल पे आज यहाँ रखा, आपको अपने चित्र अपने राज्य की टेक्स्ट बुक पे बेस्ड, कंटेंट पे बेस्ड, उन्हीं पे बेस्ड चित्र लेने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल ठीक है। और इसी के अंदर जो मेरा अगला इनपुट था जो मैं वेट कर रही थी कि मैं अभी बोलती हूँ, अगर आप लोग वो इनपुट देंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, मैं इसलिए आपके जवाबों का इंतजार कर रही थी कि
इन चित्रों को अगर हम बच्चों के साथ इस तरीके से डिस्कस करेंगे आज, मान लीजिए हमने यही सेम चित्र दिखाया, सारा कुछ डिस्कस किया, तो आपको क्या लगता है बच्चों में क्या डेवलपमेंट होगा इस चित्र के बाद? इस चित्र को इस तरह से क्लास में प्रस्तुत करने से, जैसा यहाँ बताया गया है, अगर हम इस तरह से प्रस्तुत करते हैं तो बच्चों बच्चों में क्या बदलाव आप देखेंगे, क्या आप लर्निंग होगी उनकी? बच्चे बच्चों में अपने मैम मैं हिसाब आए, से, हेलो मैं एक आए मिनट मैम, ये भूपेश जी पहले से कुछ कह रहे हैं, एक बार मैं भूपेश जी को सुन लूं फिर आपके पास आती हूँ। ओके मैम, भूपेश जी आप म्यूट हो गए हैं गलती से। यस मैम, आ रही आवाज? जी बिल्कुल, जी मैम, ये इस तरह के जो चित्रों हैं, इस तरह के चित्रों से, ऐसे सर बोल रहे थे कि कोई जरूरी नहीं है कि परिवेश के ही चित्र हो, कई बार चीजें बच्चों को दिखानी भी है। अगर उस चित्र से बच्चा कुछ देख पा रहा है कि स्टेशन ऐसा होता है, ये वो वहाँ वो विजन भी उसको बिना स्टेशन गए भी, जो जो बच्चा स्टेशन नहीं गया और वो चित्र है स्टेशन का, तो वो चीजें उसके दिमाग में, वो पिक्चर अगली बार वो जब स्टेशन जाएगा तो उनसे कोरिलेट करने की कोशिश करेगा। तो बहुत सारी चीजें जो हिडन चीजें हैं, जो हमको लगता है कि नहीं ये तो बच्चा नहीं जानता होगा, इससे ये ऐसा क्यों क्यों पूछना, तो ऐसा नहीं, हम हमें वहीं से चीजें मिलेंगी और वहीं से फिर एक्सप्लोर बच्चे करते हैं और उनमें क्यूरियोसिटी आएगी। बहुत बहुत ही अच्छा सुझाव है सर, भूपेश सर आपका। राजेश जी आई होप आप इसको भी अकोमोडेट कर सकते हैं। कुंदा मैम आप कुछ कह बिल्कुल रहे थे? बिल्कुल 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 यस मैम, थैंक यू सो मच। जो हम 100 शब्द जो काम नहीं करते वो एक चित्र काम कर जाता है मैम बच्चों के लिए। आपने जो बहुत अच्छा वो हमें सुझाया, और हम स्कूल में ये करते ही है लेकिन अभी ज्यादा से ज्यादा करेंगे, जिसके कारण बच्चों में एक सवाल भी वो खुद बनाते हैं और जवाब भी उनके वो खुद ढूंढते हैं बच्चों। एक टीचर का काम इसमें क्या होता है कि एक गाइडेंस, एक सुलभक करके जो बोलते हैं वैसे हो जाता है, और बच्चों की क्यूरियासिटी बढ़ जाती है, सब बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वही एक बात ऐसे कि चित्रों के माध्यम से हम पढ़ाते तो सारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके जॉयफुल लर्निंग एक जो बात है वो हम अपने क्लास में क्रिएट कर सकते हैं विद दिस पिक्चर्स। और दूसरी बात तो जो कंसेप्ट हमें बतानी है वो ड्राइंग, ये चित्रों के माध्यम से हम बहुत कम समय में और अच्छे तरह से बच्चों में वो डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू कुंदा मैम। तो अभी जो कुंदा मैम ने बोला वो उसका एक हमने एग्जाम्पल यही देख लिया कि सवाल राजेश जी का था, जवाब भूपेश जी ने दे दिया, तो ये हम लोग को कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं, आप खुद इतने इसीलिए बोल रहे, इतना वेरिड एक्सपीरियंस हमारे पास है। हम सभी, मतलब मैं यहाँ पे आपको कुछ नहीं सिखा रही हूँ, हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं और उसी में से हमारे सारे जो जवाब जवाब है वो इमर्ज हो रहे हैं। अब जो मैंने लास्ट में सवाल आप लोगों से पूछा था, इससे बच्चों में क्या बदलाव आएगा, बच्चे क्या सीखेंगे, उसका जवाब मेरे को चैट में लिखा है 2-3 लोगों ने। एक तो है मृदुला जी ने लिखा है इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बढ़ेगी, बिल्कुल ठीक। दूसरा है सरस्वती दास जी ने लिखा है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, समझ, क्योंकि वो देख रहे हैं उसको, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उससे जुड़ रहे हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी होगी और एनालिटिकल पावर पड़ेगी, क्योंकि वहां पे वो पूरा अपना दिमाग का पोस्टमार्टम कर दे रहे हैं कि इसमें ये क्या कह रहा होगा, या वो जो एक ठेले के पीछे एक पर्सन नीचे बैठा है वो क्या सोच रहा होगा, तो दे आर यूजिंग देयर ब्रेन्स फुली। इसके अलावा जो मुझे लगता है एक एक्चुअली बेनिफिट, हाँ कोई कुछ कहना चाह रहा था, मैम, बोलिए। मुझे लगता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज्यादा होगा इस तरह के प्रोग्राम से, इस तरह के एक्टिविटी से। बच्चे की माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, और वो माइंड एक्टिव हो जाए तो इनरली, जैसे जैसे हमारे जो ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन के फॉर्मेट्स है उसमें बच्चे को, हम लोगों को भी डर लगता है कि आज परीक्षा है, आज इवैल्यूएशन है, आज देना पड़ेगा। लेकिन इस तरह का इवैल्यूएशन फॉर्मेट अगर हम फॉलो करते हैं तो बच्चे बच्चे लोग अपने आप से ही इन्वॉल्व होते हैं। और मुझे जो लगता है उसका जो डर, इवैल्यूएशन का जो डर, एग्जामिनेशन का जो डर, वो नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल, अभी किसी ने हैंड रेस किया था। मैम, मुझे एक चीज और लगता है, मुझे एक चीज ये लगता है क्या कि जब एक ही चित्र को, जैसे कक्षा कक्ष में, मतलब एक ही क्लास के अगर 10 बच्चे हैं और एक ही चित्र को जब वो देखते हैं तो अपने अपने हिसाब से वो उस चित्र को बयां करते हैं, तो
तो ये जो क्वालिटी है बच्चों में, ये सेल्फ क्वालिटी, जैसे अभी हम टीचर्स का अलग अलग जवाब है, हम टीचर्स का अलग अलग ओपिनियन है, तो एक ही चित्र जैसा मैंने अपने कक्षा में किया है कि अगर एक चित्र दिखाया और बच्चे उसको अपने अपने हिसाब से स्टोरी बनाते हैं, तो ये एक अच्छी पहल होती है जब हम इसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, डाइवर्जेंट थिंकिंग बच्चों में डेवलप होती है। अगर एक शब्द में मैं सर की बात को कहूँ, ये मैं एक तरीके से सोच रही हूँ, पर जैसे ही किसी और ने बोला तो मैं अगली बार वो एंगल भी सोच पाऊंगी, तीसरी बार मैं कोई नया एंगल उसके अंदर ऐड कर पाऊंगी। तलत मैम, आप कुछ बोल रही थी? यस मैम, मुझे इस पिक्चर में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों के एंगल से लग रही थी कि ये पिक्चर एक साथ बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है। जैसे आपने रेलवे स्टेशन का भी सीन दिखा रहे हैं, आप मार्केट भी दिखा रहे हैं, आप बुक शॉप भी दिखा रहे हैं, मतलब कई चीजें एक पिक्चर में हो रही। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि बच्चे को मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता था, उससे अच्छा ये था कि एक एक एंगल से एक चीज को लिया जाता और एक टाइप का उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता। मान लो अगर आप स्टेशन को फोकस कर रहे हैं तो स्टेशन से रिलेटेड चीजें पूछी जाती, फिर वहां पे अगर आप बुक शॉप पे आ रहे हैं तो बुक शॉप से, मतलब एज ए टीचर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये जो इतनी ब्रॉड वे में जो पिक्चर्स बनी हुई, पिक्चर तो बहुत अच्छी थी, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे, बट क्या बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे इस चीज को लेकर कि वो कहाँ पे फोकस करें? आप ट्रेन की भी बात कर रहे हैं, आप टिकट की भी बात कर रहे हैं, आप इधर से ये भी पूछ रहे हैं लड़की उससे क्या बात कर रही है। मुझे आपके क्वेश्चन का मुझे लग रहा है कि मुझसे ज्यादा, मुझे लग रहा है इसका जवाब देने के लिए भूपेश और राजेश ही रेडी है, मुझे देना, मुझे उनके एक्सप्रेशन मुझे भी लग रहा है। कुछ बोलू मैम? एक्सक्यूज मी मैम, बोलिए बोलिए बीनू जी बोलिए। हाँ, ये एक्चुअली मैं थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी इसको देख रही हूँ। जैसे हम एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को दिखा रहे हैं, इन पिक्चर के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे का प्रेजेंस भी स्कूल में बढ़ेगा, इसे ड्रॉप आउट भी कम हो जाएगा। ये एक एंगल भी है क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, उनको पता चलेगा कि हाँ इस स्कूल में ऐसा किया जा रहा है, ये टीचर्स कर रहे हैं, तो वो जरूर स्कूल आएंगे, ड्रॉप आउट इसे एकदम घट जाएगा। जी भूपेश जी बोलिए, अब जल्दी से कह दीजिए आप। बहुत सारी चीजें एक चित्र में दिखाने वाली बात थे, जो मैम का जो बात था कि एक एक चीजें, कई बार होते हैं ना बच्चे बहुत चुप रहते हैं, उनका मुंह खुलवाना, उनको बुलवाना, अगर आप कोई एक शब्द लिखें या किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई चित्र दे, हो सकता है बच्चे को उसकी जानकारी नहीं हो, लेकिन उसमें वैरायटी है। कोई बच्चा चाय की दुकान तो जानता होगा, कोई बच्चा वहां पे कुछ लड़की खड़ी है वो तो देखा होगा, रेलगाड़ी है, तो जो बच्चे को बहुत सारी चीजें उस चित्र में है, और ये जरूरी इसलिए है कि हम इनसे बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। कोई बच्चा किसी एक एक टॉपिक पे माहिर नहीं है, कोई तो कम देगा तो उस बारे में हमें पता है कि बच्चे बारे में पता है, क्योंकि बच्चों को इवेलुएट करना एक तरह से, जैसे कोई टॉपिक शुरू हो रही है और उसके पहले वो चित्र दिखा रहे हैं, तो हम वहां से बच्चों को एसेस भी कर लेते हैं कि अब हमें कहां जाना है। कई बार जैसे उसमें कहा गया था लिखने को बोला जाए, हो सकता है वहां पे चित्र देखकर बच्चे बोल रहे हो लेकिन लिखने में सक्षम ना हो, तो वहां से हमारी स्ट्रेटेजी कुछ बदलेगी कि नहीं, चित्र के बारे में तो बच्चे ने बताया चाय की दुकान है, लेकिन हो सकता है वो चाय की दुकान उसको लिखना नहीं आ रहा, बोल तो पा रहा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक चित्र से हम कैसे बच्चों के जवाब आ रहे हैं उससे अपने लेसन में आगे बढ़ने का, पाठ में आगे। बट सर, कंटेंट बनाते हुए एक टीचर हो, मतलब एज ए टीचर हम इतना केओस नहीं दिखा सकते कि कभी सवाल पूछ रहे हैं, कभी कुछ सवाल पूछ रहे हैं, मेरा इंटरेक्शन ज्यादा हो गलत। मैम मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपके आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ मैं। वास्तव में वो जो चित्र मैम ने दिखाया, उस वीडियो में दिखाया गया, वो एक रेलवे प्लेटफॉर्म का चित्र है मैम, और एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक किताब की दुकान भी होती है, चाय की दुकान भी होती है। वहां पे टीटी खड़ा है, उसके पास एक लड़की जो पूछ रही है, वो बातचीत हो रही है, तो वो एक रेलवे प्लेटफॉर्म को वाइडर व्यू में दिखाया गया है कि वहां कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही है। और दूसरी बात, इससे क्या होगा कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म का कैसा होता है ये कंसेप्ट
बच्चों के समझ में आएगा। और दूसरी बात, जैसा कि हमारे भूपेश सर ने कहा कि हो सकता है कि प्रत्येक बच्चा प्रत्येक चित्र को नहीं पहचान पा रहा हो, लेकिन कोई बच्चा किसी चित्र को समझ रहा है, कोई किसी को समझ रहा है, तो इससे क्या होगा कि सारे बच्चे जो हैं वो इंगेज हो सकेंगे और सभी बच्चे जो है अपने हिसाब से कुछ कुछ उसको इंटरप्रेट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब मैं दिलीप जी से बोलूंगी, उन्होंने बहुत देर से हैंड रेज किया, पहले वो एक बार बोल दे, फिर मैं तलत मैम का क्वेश्चन रिजॉल्व करती हूँ। सभी लोग मेरे ही आंसर को, मेरे ही क्वेश्चन को आंसर करेंगे सर आप भी। जो अभी अभी जो बातचीत चल रही थी, मैं उसको सुनने की कोशिश कर रहा था पूरी अच्छी तरह से डिटेल में, क्योंकि हर एक टीचर का अलग अलग पर्सपेक्टिव हमको यहाँ पे दिख रहा है। वैसे ही यही क्लासरूम अभी हम एक्चुअली वर्चुअल क्लासरूम में बैठे हुए सब लोग, और इस वर्चुअल क्लासरूम से जो भी जिस तरह से सोचता है उस तरह से उसको वो चीजें दिखने लगती है, और मेरे ख्याल से मुझे क्लास में भी यही सिनेरियो हमको देखने को मिलता है। अभी बहुत सारी चीजें एक ही फिल्म पिक्चर में दिखाना, ये अगर बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो अगर कोई बच्चा फिल्म देख रहा है तो फिल्म अगर 3 घंटे की देखने के बाद अगर वो पूरी स्टोरी नरेट कर सकता है, तो एक पिक्चर देखने के बाद मेरे ख्याल से उस पिक्चर में या उस फोटो में क्या क्या चीजें हैं, उस फोटो में क्या क्या एक्टिविटी होती है, शायद सारे बच्चे बता नहीं पाएंगे, पर हर जैसे अभी आशीष जैन सर ने बोला कि हर एक बच्चा कुछ ना कुछ एक्टिविटी वहां की बताएगा जिससे वो स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। आई थिंक बहुत ही इलैबोरेटेड आंसर था, आपका पॉइंट भी वैलिड है। हम ये वाली जो चीज है कि पिक्चर में कितने एलिमेंट्स हो, ये बच्चों के लेवल को देख के डिसाइड कर सकते। अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो थोड़ी सी इससे हल्की इमेज, मतलब कम एलिमेंट्स वाली इमेज को रखा जा सकता है। किसके सामने हम बात रख रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है मेरे ख्याल से, किसके सामने हम बात रख रहे हैं ये भी मायने रखता है। वैसे ये हमारा जो बात करने का तरीका या बात रखने का तरीका भी जो है वो अलग अलग तरीके से हमको सोचना पड़ेगा। बहुत छोटे बच्चों के लिए हमें बहुत सिंप्लीफाइड रखना है, पर अगर जिनकी भाषा हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो अगर धूम्रपान जैसा शब्द पढ़ सकते हैं, इसका मतलब वो थोड़े बड़े बच्चे, अगर वो उतने बड़े हैं तो ये कोई क्लटर नहीं है, ये बहुत ही रियलिस्टिक सिचुएशन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एलिमेंट्स कम होंगे चित्र में तो सभी बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो एलिमेंट्स 3-4 पे ही खत्म हो जाएंगे और वो रेपिटेटिव होगा। और जब एलिमेंट्स ज्यादा होंगे तो हर बच्चा अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए कोई ना कोई एलिमेंट वहां से पकड़ेगा और उसको सामने लाएगा, और इसी वजह से जो बाकी बच्चों से छूट गया वो भी उन लोगों को नजर आएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द, इसीलिए जो हमने वहां पे ऑडियंस की बात की थी, लर्नर की बात की थी, उनके एज ग्रुप और लेवल की बात की थी, वो यहाँ पे निकल के आएगी कि हम किसके लिए तैयार कर रहे हैं, वो आपको केयरफुल रहना होगा। आपका तो अभी जो मैं कहना चाहती थी वो पॉइंट नहीं निकला है, तो अब मैं देती हूँ अपना फाइनल पॉइंट कि इस चित्र के माध्यम से जो लर्नर के लेवल में जो इतने सारे पॉइंट्स अभी इधर आए, ऑब्जर्वेशन स्किल, परसेप्शन आ गया, एक्चुअली ऑब्जर्वेशन स्किल एनहांस होगी। जो बच्चे एक बार कक्षा में चित्र पढ़ने की आदत डाल लेते हैं उनको क्या फायदा होता है ये आप समझिए, कि वो सड़क पे चलते हुए सारे चित्र पढ़ेंगे, सारे बोर्ड पढ़ेंगे, उनकी वोकैबुलरी एनहांस हो जाएगी, उनको कई तरह का ज्ञान बिना बोले मिल जाएगा, वो अखबार में भी कोई चित्र आएगा उसको जरूर पढ़ेंगे, उनकी नॉलेज में बहुत ही एक लैंग्वेज भाषा में एक बढ़ोतरी होगी उससे, और उनका जो माइंड है, ऑब्जर्वेशन स्किल है, वो परमानेंटली एनहांस हो जाएगी। वो हर जगह पहले चित्रों में और बाद में रियल लाइफ सिचुएशंस में उन चित्रों को देखेंगे और इमेजिन करेंगे, तो उनकी जो एक क्रिएटिविटी है वो उसके अंदर से निकल के आएगी और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये मेरा आउटकम था कि वो रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट होगा। वो कहीं भी जाएंगे उन्हें पता होगा कि चारों तरफ पढ़ना है, क्योंकि वो मैम चित्र दिखाती है ना, तो पता होना चाहिए, इसलिए वो पढ़ने में एक्टिव होंगे, तो उन्हें ये पता होगा कि टिकट कहाँ से लेनी है, या टिकट का क्या रोल है, टिकट पे लिखा क्या होता है, टिकट वेरीफाई कैसी होती है। आप देखेंगे तो बहुत बेनिफिट उसके पैरेलली निकल के आएंगे। तो ये चित्र वर्णन की जो कक्षा में जो एक जो हमारा एक टॉपिक होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बाकी के सारे
स्किल्स को एनहांस कर सकता है। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी जो शायद थोड़ी सी कम कवर हुई थी, इसीलिए मैंने उसको ले लिया। तो अब क्योंकि समय कम है तो मैं और वीडियो और ऑडियो नहीं दिखाऊंगी, हमने एक दो और रखे थे पर हमने सारा समय इसी पे लगा दिया, और आप लोग भी डेफिनेटली पूरे दिन से सेशन अटेंड करके अब थक गए होंगे। पर अच्छा लगा मुझे, सब लोग धीरे धीरे मैंने देखा कैमरे खुलने लगे थे, पहले बिल्कुल कैमरा नहीं खुले थे। मुझे बड़ा मजा आता है जब कैमरे खुलते हैं और एक्सप्रेशन, क्योंकि भूपेश सर का तो जैसे ही मैम ने सवाल बोला और उनके एक्सप्रेशन चेंज होते हुए मैं देख पा रही थी उनको, कि वो कितना कि वो मैम बस एक मिनट चुप रहे और मैं चालू हो जाऊं वाला उनका एक्सप्रेशन हो गया था। तो दिस इज हाउ क्लास में भी हम ऐसा ही, आप इमेजिन करिए हम इतने बड़े हैं, हम अपने आप को कंट्रोल करना जानते हैं तब हमारे एक्सप्रेशन नहीं छुप रहे, तो बच्चों के कैसे छुपेंगे जब इस तरह के चित्र क्लास में आकर के उनसे बातें करेंगे। तो सो डेफिनेटली एक रिसोर्स में, एज अ रिसोर्स उसमें कुछ कमियां होंगी, इम्प्रूव की जा सकती है, पर हमें एक बेनिफिट मिला कि वो शिक्षकों के लिए था तो थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो गया उसको हैंडल करना, नहीं तो एज ग्रुप के हिसाब से उसे केटर करना भी जरूरी होता। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के सेशन को अपनी तरफ से विराम देती हूँ, और आप लोगों को अगर कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आई कैन हैंड ओवर टू द कोऑर्डिनेटर ऑफ द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच मोनिका मैम, बहुत ही इंटरेस्ट और बहुत ही इंगेजिंग सेशन था, इतने केयरफुली लोगों ने सुना और इतने सारे क्वेश्चंस, इतनी सारी क्वेरीज, इससे लगा कि सबने अटेंटिव होके इतने अच्छे से सेशन को सुना है और बहुत ही एनर्जेटिकली ये सीखना चाह रहे हैं सब लोग कि हम कैसे इसको आगे ट्रीट कर पाएंगे आगे सेशंस को। और आपका सेशंस हमेशा SRG में हमेशा पार्टिसिपेंट्स के लिए फ्रूटफुल रहा है, सो थैंक यू सो मच मैम ज्वाइन करने के लिए सेशन। थैंक यू मिस्टर आलोक, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग सो एंगेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा इस सेशन में आकर के। सर मेरी बात एक थी। जी सर बताइए। जैसा कि मैम ने बताया कि बच्चे